जैसे भगवान राम जब वनवास गए तो 14 साल तक उनके भाई भरत ने उनका कामकाज संभाला, तो मैं और आतिशी भी उसी तरीके से मनीष जी का और सत्येंद्र जैन साहब का काम संभालेंगे और ईश्वर से ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा होके आए और अपना काम वापस संभालें। तीन बड़े महकमे जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के फ्लैगशिप महकमे बताए जाते हैं, हेल्थ और एजुकेशन हमेशा से रहा है और दिल्ली के अंदर अब यमुना पे काम करना, यमुना की सफाई करना, यमुना को साफ और निर्मल बनाना और हर घर तक पानी पहुंचाना, ये हमारे जो है बेसिकली एजेंडा रहेंगे। और जो काम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार हमले कर रही है, दिल्ली वालों के काम को स्लो करने की कोशिश की गई है, उनको तेजी से करें। देखिए, केंद्र सरकार हर कोशिश करेगी काम को रोका जाए, और पिछली बार दिल्ली वालों ने हमको मौका इसलिए दोबारा दिया क्योंकि वो लोग रोकते रहे और हम काम करते रहे, और जब जब कोई सरकार रोकने की कोशिश करती है तो लोगों को भी ये बात समझ में आती है, और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री, हमारी पार्टी के दो सीनियर नेताओं नीचे कर झूठे केसेस और झूठे आरोपों के तहत जेल में, जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी इन झूठे केसेस से रिहा होकर नहीं आते हैं, तब तक सौरभ भारद्वाज जी और मुझे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिम्मेदारी दी है दिल्ली के लोगों के लिए, जो जिम्मेदारी दी है हमारी रहेगा उसको वहन करना, दिल्ली के लोगों के काम को करते रहना। जैसे जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उनके छोटे भाई ने उनकी खड़ाओं को रखकर 14 साल तक शासन किया था, उसी तरह से जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जब तक वो दोनों इन झूठे केसेस से छूट कर बाहर नहीं आते तब तक हम ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके वापस आने पे वही दोनों लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को आगे लेंगे।